नमस्कार, मैं श्वेता गुप्ता नेशन लाइव से। आज हम आप पहुँचे हैं पटेल नगर के बलजीत नगर वार्ड के अंदर, जहाँ की पार्षद का नाम है सुनीता गाबा। यहाँ पे अगर आप हाल देखेंगे तो हर जगह कीचड़ फैली हुई है। कल ही हम जानते हैं कि बारिश हुई थी दिल्ली में। आप हाल देख सकते हैं कि हर जगह बस कीचड़ ही कीचड़ है। आज हम बात करेंगे यहाँ के ही एक रहने वाले से। जी, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम परमजीत सोनी है। और ये जो आप हालत देख रहे हैं ना जी, हमारे बलजीत नगर की दो तीन साल से यही प्रॉब्लम है। और प्लस ये सुबह 6:30 बजे सुबह भरता है और इतना पानी ही होता है इधर, ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता है। और मिलन गाबा के पास हम जाते हैं कि मैडम इसका सलूशन करो, तो वो बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। वो सीधा सीधा जवाब देती है और काम कोई नहीं करता है जी। इधर बहुत बुरी हालत है आपके घर में, ना तो कोई गेस्ट आ सकता है जी, ना जा सकता है। और यहाँ नरक की ज़िंदगी है। और जो हम पानी पी रहे हैं ना इधर, वो सीवर लाइन के लीक होने के कारण आई डोंट नो किस तरह से हमारे टट्टियों का पानी आता है। हम नल खोलते हैं फर्स्ट टाइम तो उसमें ऐसे काला काला पीला पीला पानी आता है, उसके बाद 10 मिनट बाद वो पानी साफ होता है। लेकिन उस पानी को पी के हम बहुत लोग जो हैं बीमार भी पड़ रहे हैं। हमें आरओ यूज़ कर रहे हैं, आरओ की भी हालत ऐसी होती है। तो यहाँ पे जो आपकी पार्षद है वो कोई भी काम नहीं करवाती? नहीं जी, काम नहीं आती नहीं है वो, तो छोड़ो, वो देखने नहीं आती है। वो क्या रहा है, हम क्या, हमें नहीं पता, ऐसे बोलती है। वो कहते हैं खुद पैसे डालो, फोन नहीं उठा कहती है फोन भी उठा ले, कोई है जान पहचान, कहते हमें नहीं पता जो सुनीता गाबा क्यों आई, किस लिए आई हैगी। ये नाली की है तो नाली साफ करवावे ना। इतने इतने पानी में ना सारी दुनिया इतने इतने पानी में जाती है, टट्टियों में जाती है। सुबह आप सुबह के टाइम आओ ना, तब देखो इसका ही इनका नरक क्या काम कर रहा है। देखो जी, जनता से कहा जाता है आप सारे घर वाले पैसे मिलाओ और अपना काम करा लो। ये तक भी बोलती है वो मिलन गाबा कि आप अपने आप कराइए, तो ऐसे कैसे होगा जी। तो वही है ना कि हमने उनको जिताया है तो इसीलिए जिताया ना कि हमारे काम हो सारे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, वो देखने तक नहीं आती है। खुद तो मजे से रह रहे हैं साफ जगह पे, और हमारी हालतें देखो, पानी पीने तक का गंदा आ रहा है। और यहाँ की हालत आप देख सकते हो। वैसे तो ये बोलते हैं MCD वाले आके कि यहाँ मच्छर हो गया, डेंगू हो रहा है। यहाँ डेली यहाँ डेंगू नहीं होता, 24 घंटे गीला रहता है। तो यहाँ पे भी तो देखो ना आप, देखो सारी रोड टूट रही है, सारी नाली भरी हुई है, सारा रोड टूट रहा है। डेली भरता है तो सारा टूटा पड़ा है, एकदम सारे रोड टूटा पड़ा है। यहाँ से बांध रख चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, सब यही बोलेंगे। सीवरों में लगी हुई है घूस, वो डेली साफ करते हैं, गंद निकाल के ऊपर फेंक जाते हैं। वो एक दिन सही रहता है, फिर वही हालत है, क्योंकि सीवर खत्म हो चुका है। सीवर के अंदर घूस लग चुकी है, काला काला निकलता है एकदम। बहुत बुरी हालत है। डायरेक्ट उसके घर पे जाके उसको बोलते क्यों नहीं है कि जी हमने आपको वोट दिया है तो आपका काम बनता है हमारी सफाई करवाना, हमारे यहाँ पे लोगों को भेजना। अरे बहुत औरत गलत है। देखो जी, हमने 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 सब कुछ बोल लिया है, हमने एप्लीकेशन सबके साइन करा के सब जगह जा चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब हमने फैसला करा है कि जो काम कराएगा उसको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट देंगे ही नहीं। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, किसको जिताने की आप लोग सोच के बैठे हैं? जो काम करेगा, आई डोंट नो कि कौन अच्छा है। कहते हैं कांग्रेस होवे पावा काली जी, मूंगी होई पा मिलनी है। साडा जो काम कराएगा असी ओनू वोट पावांगे। अगर इलेक्शन आ गए और ये काम नहीं हुआ तो हमारी गली का कोई भी बंदा वोट नहीं डालेगा। दैट्स इट। जब जीत जाएंगे तो काहे बनेगी गली, उससे पहले बन जानी चाहिए। और हम वोट देने को तैयार है, सब जने सारे वोट देंगे और उसी को देंगे जो हमारी गली बनवाएगा। केजरीवाल का तो मैं कैमरे लगा दूंगा। क्या कैमरे लगाए हैं, कहाँ कैमरे लगाए हैं? मैंने इतने हजार कैमरा लगा दिए, कहाँ लगाए हैं? जो चमचागिरी कर रहे हैं उनके पास कैमरा है, चार चार पाँच पाँच लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई हिसाब नहीं है? आप देखिए ना, पूरा कैमरा घुमाइए कहीं लग रहा है। ये अपने खुद के कैमरे लगाए हैं, हमने कैमरे लगा रखे हैं खुद, हमने अपने लिए लगवा रखे हैं, वैसे कुछ है। चलो आगे दिखाए क्या क्या कैमरे।